पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर यूथ कांग्रेस की ओर से रक्तदान शिविर आयोजित किए गए। जयपुर यूथ कांग्रेस कार्यालय में आयोजित रक्तदान शिविर में सैकड़ों युवाओं ने रक्तदान किया और इस दौरान चिकित्सा मंत्री डॉ. रघु शर्मा, परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास, विधायक मुकेश गावड़िया ने पहुंचकर रक्तदाताओं का उत्साहवर्धन किया। यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मुकेश भाकर ने कहा कि देशभर में यूथ कांग्रेस की ओर से राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर रक्तदान शिविर आयोजित किए गए हैं, जिनमें 2900 यूनिट रक्त संग्रह का लक्ष्य रखा गया है और ये ब्लड कोरोना महामारी के समय जरूरतमंद लोगों को उपलब्ध करवाया जाएगा। वहीं मुकेश भाकर ने ये बताया कि यूथ कांग्रेस की ओर से आज न्याय योजना की शुरुआत की गई है, जिसके माध्यम से सभी जरूरतमंद लोगों को यूथ कांग्रेस की ओर से 200-200 रुपए कैश दिए जाएंगे, जिससे कि अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। देखिए, पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय राजीव गांधी जी का आज 29वीं बलिदान दिवस पुण्यतिथि है। इस अवसर पर पूरे राजस्थान भर में जिले और विधानसभा प्रदेश लेवल पर हमने 2900 यूनिट ब्लड डोनेशन का हमने लक्ष्य रखा, क्योंकि कोरोना का समय भीड़ इकट्ठा होना, लोग बागों का ज़्यादा निकल नहीं आ पा रहे हैं, तो लोगों को ब्लड की जरूरत भी है। और जिस नेता ने इस देश में संचार क्रांति लाए, जो नेता इस देश को एक नई पीढ़ी और युवाओं का देश बनाना चाहते थे, उनके आज बलिदान दिवस पर युवक कांग्रेस ने ये लक्ष्य रखा है कि हम जरूरतमंद लोगों की मदद करें, ब्लड डोनेट करें और साथ ही एक न्याय योजना का शुरुआत हमने आज राजस्थान से युवक कांग्रेस के माध्यम से करना चाहते हैं कि हम जरूरतमंद लोगों को कैश पैसा 200-200